वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दुर्गा, यू आर विजिटिंग दुर्गा रिएक्शन में। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली मिस्टर अब्दुल हमीद के बारे में, तो देखते क्या बताते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वॉच इट। 1800 के आखिर में एक सेहूनी तहरीक शुरू हुई जिसका वाहिद मकसद यहूदियों के लिए एक अलहदा रियासत का कयाम था, क्योंकि उस वक्त कोई ऐसा मुल्क नहीं था जहां उनकी हुकूमत थी और जो भी उनकी मेन जगह थी वो उस्मानी सल्तनत के अंडर थी। ऐसे में यहूदियों के सबसे शातिर दिमागों ने एक ऐसी गेम शुरू की जिसका असल मकसद फलस्तीन में यहूदियों को आबाद करना था। उन्हीं दिनों उस्मानी सल्तनत सुल्तान अब्दुल हमीद की खिलाफत में थी और जो यहूदियों के उन तमाम अजायम से बाखबर थे, इसलिए उन्होंने यहूदियों के हर उस मनसूबे को बर्बाद कर दिया जो वो बनाते। लेकिन फिर वो हुआ जिसमें इस दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा सौदा तारीख के सबसे बड़े गद्दार ने किया। यहूदी उस वक्त पूरी दुनिया में फैल गए जब रूमियों ने 70 AD में यरूशलेम को जला दिया था। अपनी मक्कार फितरत की वजह से ये जहां भी जाते फितने और फसाद पैदा करते, इसलिए कोई इन्हें अपने साथ रखने को तैयार नहीं होता। उस वक्त से ये लोग अपने एक मसीहा के इंतजार में हैं कि जो उनको एक ही जगह इकट्ठा करके इन्हें पूरी दुनिया का हुक्मरान बना देगा। लेकिन जब सैकड़ों सालों तक इनके मसीहा नहीं आए तो तब चंद यहूदियों ने एक ऐसा मंसूबा बनाया जो दुनिया की तारीख का सबसे भयानक और तारीख मंसूबा था। उस मंसूबे के मुताबिक उन्होंने यहूदियों के लिए इसराइल के नाम पर एक अलग मुल्क बनाने पर गौर शुरू किया। इसके लिए अगस्त 1897 में बैसल स्विट्जरलैंड में पहली आलमी सेहूनी कांग्रेस के मौके पर सेहूनियों के बानी थियोडोर हर्ज़ल ने वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी जिसका मकसद फलस्तीन में सेहूनियों की जाली रियासत कायम करना था। फिर माउंट ज़ियोन जो यरूशलेम में पुराने शहर की दीवारों के बाहर एक पहाड़ी है जहां आज मस्जिद अक्सा कायम है, लेकिन अहले यहूद के मुताबिक इस जगह कभी हैकले सुलेमानी कायम था। अपनी रियासत के कयाम के लिए उन सेहूनियों ने सबसे पहले बरतानवी सल्तनत के सामने हाजिरी दी जो उस वक्त दुनिया में एक ताकतवर रियासत थी, लेकिन बरतानिया ने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन बाद में उन्होंने ये सोचा कि इनकी ये तहरीक रोज बरोज ताकतवर होती जा रही है और इसीलिए बरतानिया ने युगेंडा, साइप्रस और साइबेरिया के कुछ इलाके उनको देने चाहे, लेकिन सेहूनियों की एक ही डिमांड थी कि उन्हें फलस्तीन में रहने की जगह दी जाए जो अरबों का वतन है और जिसका जिक्र तौरात और कुरान में किया गया। उस वक्त उस्मानी सल्तनत को यहूदियों की उन चालाकियों का इलम हो चुका था और 1871 में सेहूनियों की तहरीक से पहले ही उस्मानी सल्तनत ने फलस्तीन के 80% इलाके को रियासत का हिस्सा करार दे दिया। थियोडोर हर्ज़ल सुल्तान अब्दुल हमीद सानी से मुलाकात के लिए कोशिश करने लगा और 1896 से 1902 के दरमियान मुतअद्दिद मरतबा इस्तंबोल आया और इब्तिदा में इस बात का इजहार करता रहा कि अगर सल्तनत उस्मानिया यहूदी मुहाजरीन को पनाह दे तो वो सल्तनत के मातहत रहेंगे और अपने कारोबार के जरिए बड़ी रकम टैक्स की मद में देंगे, जिस पर सुल्तान अब्दुल हमीद ने सेहूनिज्म के पानी की उस तरह की तमाम तर पेशकश को टुकरा दिया और उस बात की इजाजत ना दी जो कुछ हर्ज़ल चाहता था। जब मामला यहूदियों के फलस्तीन में आबाद किए जाने तक पहुंचा तो सुल्तान ने उस बात की भी इजाजत ना दी कि यहूदियों को फलस्तीन में आबाद किया जाए, क्योंकि सुल्तान अब्दुल हमीद इस बात से आगाह थे कि सेहूनी खतरनाक अजायम के साथ फलस्तीन में दाखिल होना चाहते हैं और सुल्तान का मौकफ वाज़ह था कि किसी भी तौर पर बैतुल मुकद्दस के शुमारियात में तब्दीली की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चुनांचे सुल्तान ने फलस्तीन का इलाका सेहूनियों को देने से इनकार कर दिया। उस वक्त सल्तनत उस्मानिया पर बाहरी कर्जे भी बहुत थे और उसी बात को सोचकर हर्ज़ल ने करोड़ों का लालच भी दिया कि अगर आप यहूदियों को फलस्तीन का एक टुकड़ा देकर बसने की इजाज़त दे दें तो हम फौरी उतनी रकम देंगे
जिससे आप अपनी सल्तनत का अच्छा खासी बाहरी कर्जा चुका देंगे। उसने और भी हथकंडे अपनाए जिससे वो सुल्तान को राजी कर सके ताकि यहूदी फलस्तीन में आबाद हो सके, जो असल में इसराइल के कयाम के लिए उन लोगों के मंसूबे का एक बुनियादी हिस्सा था। लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद अपनी बेमिसाल जहानत और खुदादाद बसीरत की बुनियाद पर यहूदियों की चालों से अच्छी तरह वाकिफ थे। वो समझ गए कि यहूदियों के लिए जमीन की खातिर ये रिश्वत की पेशकश की जा रही है, इसलिए उन्होंने उस पेशकश को टुकरा कर हर्जल को ये जवाब दिया कि मैं फलस्तीन की एक बालिश जमीन भी नहीं दे सकता। फलस्तीन कोई मेरी जाती मलकियत नहीं जो मैं इसे तकसीम कर दूं। ये उम्मत मुस्लिमा की मलकियत है। हमारी कौम ने इसके लिए जिहाद किया है और इस सरजमीन को अपने खून से सैराब किया। हमारे जीते जी इसकी तकसीम हरगिज नहीं हो सकती। यहूदी अपनी करोड़ों अरबों की दौलत अपने पास रखे, कुछ की जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं दिया जाएगा। ये सरजमीन हमारी नहीं, हमारी कौम की है। हम भी ये ऐलान करते हैं, जब तक हम जिंदा हैं, ये रियासत कभी कायम नहीं होगी, कामयाब नहीं होने देंगे। चले जाओ। हर्जल को यकीन हो गया था कि अब्दुल हमीद के सुल्तान रहते हमारा मंसूबा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए उसने उस वक्त के फ्री मेसन तंजीम के साथ इत्तेहाद किया और शरीफ मक्का और नौजवान तुर्क तंजीम के साथ मिलकर सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के मुहिम पर लग गए। शरीफ मक्का हुसैन बिन अली यही वो शख्स था जिसकी वजह से उस्मानी सल्तनत का खात्मा हुआ और फलस्तीन में यहूदियों को आबाद किया गया, जहां बाद में इसराइल के नाम पर एक अलग रियासत का कयाम मुमकिन बनाया गया। ये भी याद रहे कि सल्तनत उस्मानिया में हिजाज पर, जहां मुसलमानों के दो मुकद्दस तरीन शहर मक्का और मदीना हैं, पैगंबर इस्लाम के कबीले बनू हाशिम से ताल्लुक रखने वाले को खानदान का हुक्मरान बनाया जाता था और वो शरीफ मक्का कहलाते थे। ये शख्स मुकम्मल तौर पर फ्री मैसन के लिए काम कर रहा था, जिसने सुल्तान अब्दुल हमीद की खिलाफत के खात्मे में भी एक अहम किरदार अदा किया था और बाद में बरतानिया की मदद से मदीना पर हमला करके मक्का और मदीना में उस्मानी खिलाफत के आखिरी सिपाहियों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया था। ये थी अरबों की वो बगावत जो उनके बकौल उस्मानी सल्तनत के खिलाफ थी, लेकिन असल में उसके पीछे इसराइल के कयाम की राह हमवार करना थी, जिसके लिए फलस्तीन के दो टुकड़े करके 1948 में जबरदस्ती इसराइल नामी यहूदी मुल्क अक्वामे मुत्तहिदा के जरिए बनवा दिया गया, जहां आज ये यहूदी अपने मसीहा के इंतजार में और अपने तीसरे हैकल की तामीर के लिए इकट्ठे हो चुके हैं और इनकी कोशिश है कि किसी तरह मस्जिद अक्सा को गिराकर इसकी जगह अपना तीसरा हैकल तामीर किया जा सके। और आज जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है तो ये इन्हीं का 9/11 के तर्ज का एक मंसूबा है, जिसकी बिना पर ये फलस्तीन पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करके पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत का ऐलान करना चाहते हैं। तो आपको देख के समझ आया आ गया होगा कि यहूदियों और फिलिस्तीन का क्या मतलब रिश्ता है। मतलब जो यहूदी थे वो जो शुरू से फिलिस्तीन के पर नज़र गड़ाए रखे थे, लेकिन जो उस टाइम के बादशाह थे, जो पहले ज़माने के बादशाह थे, तो यहूदी ने उनको लालच देने की कोशिश की कि इतने पैसे ले लो, इससे आपकी पूरी प्रजा का उद्धार हो जाएगा, मतलब पूरी प्रजा इन पैसों में आपकी मतलब अच्छे से रह लेगी। लेकिन बादशाह उनके लालच में नहीं आए, क्योंकि वो यह जानते थे कि यह इनकी साथी दिमाग है, इनका बनाया हुआ ये सोच चाह रहे कि फिलिस्तीन पे कब्जा करना। तो उन्होंने उस टाइम उन्होंने नहीं दिया, तो फिर बाद में उनकी डेथ हो गई, जिस वजह से जो वहाँ के दूसरे लोग थे उन्होंने फिर मतलब यहूदियों को बसाया, जिस वजह से जो फिलिस्तीन थे उसके दो टुकड़े कर दिए गए, जिसका आधा बना आधा इज़राइल बन गया, आधा फिलिस्तीन बन गया। और धीरे धीरे करके वो फिलिस्तीन को बहुत छोटा कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे मतलब जब से यहूदी बसे तो वहाँ पे बसते ही लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ की जनसंख्या बहुत कम हो गई थी। तो ये पूरी हिस्ट्री बताई जो काफ़ी अच्छी लगी सुनने में, बहुत ही अच्छा लगा कि किस तरीके से उनकी ज़मीन को हथियाया गया, किस तरीके से कब्जा किया गया, लालच दिया गया। उनका पहले प्लान था कि जो बैतुल मुकद्दस है उनकी मतलब उनकी नज़रें उनके ऊपर ही गड़ी हुई थी, तो उसी के हक के लिए आज भी लड़ाई हो रही है। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो
कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखना, जैसे आपने शुरू से सपोर्ट किया वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।